कमर्शियल क्वांटिटी ते सब तो वह तवज्जो दी जाती है क्योंकि उहदे च वड्डे स्मगलर इनवॉल्व हुंदे और उहदे च सज़ा भी वध हुंदी है। सो रिकवरी जिहड़ी आ पिछले हफ्ते दी उहदे च 9 किलो 765 ग्राम हैरोइन रिकवर हुई है जिहदे विचों 6 किलो जिहड़ी हैरोइन आ एस एस ओ सी जिहड़ा स्पैशल स्टाफ बनिया उन्होंने रिकवर किया उहदे विचों 8 किलो 685 ग्राम ओपीएम 915 किलो पॉपी हस्क और 11 किलो 565 ग्राम गांजा और 49,116 टैबलेट्स ब्लीक इंजैक्शन पिल्स जिहड़ियां ने जिहड़े मैडिकल ड्रग्स होंदे आ वो रिकवर हुए हैं और 1 किलो 245 ग्राम चरस जिहड़ी आ रिकवर हुई है। सो ये 15 अगस्त का जिहड़ा दिहाड़ा सीगा उहदे करके पुलिस सुरक्षा के प्रबंध दे विच भी पूरी तरह मुश्तैद भी सीगी मशरूफ सीगी उहदे बावजूद भी सारिया ने अपना जिहड़ा एक कैंपेन ड्रग्स के खिलाफ वो उस तरह जारी रखा और रिकवरीज भी रेस्ट भी उस पेस के उत्ते जिहड़ियां हो रही वा। हुण अगला फोकस जिहड़ा साडा वा वो किट एनडीपीएस एक्ट और प्रॉपर्टी फोरफीचर पे आ और जिस तरह आप अगे भी गल करते उस टाइम लगता थोड़ा और अलग अलग जिले जिहड़े कमर्शियल क्वांटिटी के अक्यूज जिहड़े फड़े गए हैं उन्हां दी हुण प्रॉपर्टी की जिहड़ी है सूचना इकट्ठी की जा रही है करके फिर प्रपोजल बना के तो फरदर उहदे विच जिहड़ी कार्रवाई की जाऊगी। सो ये उपलब्धि लास्ट वीक की हैगी है और इस तरह एक कैंपेन जिहड़ा वा मानयोग सीएम साहब दी हदायतां जिहड़ा चल रहा वा ड्रग्स दे अगेंस्ट वो इसे तरह जारी होगा। फिर ओहदा सोर्स पता करके उन्होंने खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। 1986
और सारी तरह के सोर्सिस चाहे वह इंटैलीजेंस बेस्ड हो बॉर्डर के उत्ते सर्वेलेंस को लेकर हो सारे पक्ष जोड़े हैं उसके नजर नहीं उन्हों का ऑलरेडी साडा जो आरसीएम इशू होया हुआ है एक्सट्राडिशन का प्रोसैस चल रहा वा और उसके ऊपर भी बहुत फोकस किया जा रहा है कि इन्हों जल्दी एक्सट्राडाइट करके इतने लिया के और केस जोड़े जिद वॉन्टड ने केस चलाए जाने इन्होंने देखो पुलिस का काम होता सही तफ्तीश करनी और जो भी गल दसनी एविडेंस के बेस से दसनी जेडे चार दोषी फड़े ने उन्होंने जी पूछगिछ उन्होंने जी इंटरोगेशन है वो बेस से कनैक्शन जोड़ा है बिल्कुल सामने आया है और वो एंटी नैशनल एक्टिविटीज के इन्वॉल्व होना भी सामने आया वा सारा एविडेंस बेस्ड है नहीं यह पुलिस का तो काम ही है यह जे बदमाश बंदे है उन्होंने खिलाफ कार्रवाई करना धमकियों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता पुलिस को की धमकी देनी है पुलिस ने तो काम उन्होंने खिलाफ करना वा चाहे वह टैरोरिज्म हो चाहे गैंगस्टर्स हो चाहे ड्रग स्मगलर्स हो चाहे इन्हों के आपसी इंटरकनैक्टेड है सारिया चीज़ा जीडिया ने वो खिलाफ लगातार जोड़ा काम वो पुलिस ने करना ही करना है और पुलिस वचनबद्ध है इस चीज़ वास्ते कि इस स्टेट को ड्रग्स तो गैंगस्टर्स तो मुक्त करना है एग्जैक्ट जी क्वानिटी बारे नहीं मैं आइडिया है बट प्रोबेबली मीडियम क्वानिटी का है जिस तक जिन्ना डाटा मैं हूं तक किया नहीं सब तो ज्यादा जोड़े ने वो पॉपी हस्क के केसिस इन्वेस्टिगेशन चलती पी है कुछ बंद चलान ऑलरेडी हो चुका है कुछ ऑफिसर इनवॉल्व से जिन्होंने खिलाफ देखो दो तरह की इनवॉल्वमेंट से एक जो केस दर्ज होया इनवॉल्वमेंट से एक जेडे कुछ ऑफिसर चार्जशीट किया गया सो जो केस दर्ज होया जो प्राइमरी केस है वह चलान कोर्ट चला गया वा जेडे ऑफिसर की क्रिमिनल केस की शमूलियत सीधी सीधी नहीं आई उन्होंने खिलाफ जी डिपार्टमेंटल जो प्रोसीडिंग चल रही ऑलरेडी सारा चल रहा है जी वह एग्जैक्ट हूँ मैं डिटेल्स नहीं पता पर प्रॉपर्टी अटैच हुई हुई है शायद उस केस देखो साढ़े एक तो स्पेशलाइज्ड विंग्स बने हुए हैं पुलिस के जिदा इंटरनल सिक्योरिटी है काउंटर इंटेलीजेंस विंग है साडा वो है जो सोर्सिस इंटेलीजेंस के बेस से इनफॉरमेशन आती है जितों तक आप बॉर्डर की गल करते हैं बॉर्डर से बी एस एफ के नाल एक सैकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी है जिथे जिदा बॉर्डर रेंज की जो आप गल करिए काफ़ी जिले आ जाते साढ़े फाजिलका ऑनवर्ड्स फाजिलका फिरोजपुर तरन तारण रूरल अमृतसर आ जाता वे फिर बटाला गुरदासपुर पठानकोट सारी जगह पर एक सैकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनी हुई है और जिस तरह तुम्हें देखा होना डीजीपी साहब मानजोग डीजीपी साहब हदायतों से स्पैशल ऑपरेशन भी कंडक्ट किए जाते ऑफ एंड ऑन कभी कभी रैंडमली बॉर्डर एरियाज पिछे जे बहुत सीनियर ऑफिसर ए डी जी पी लैवल ऑफिसर आई जी लैवल ऑफिसर उन्होंने स्पैशली बॉर्डर एरिया से जी सैकंड लाइन ऑफ डिफेंस आ और उन्होंने एरियाज कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन से ड्यूटी लगी थी सो समय समय से यह जे स्पैशल जे कैंपेन आ वह भी जारी रेंगे बट लगातार जी सतर्कता व विजिलेंस जी है वो लगातार भी चल रही है साड़ी उन्होंने देखो असी तो ये छुट्टी देना चाहते जी वो पुलिस वचनबद्ध आ उन्होंने परिवार को 100% इंसाफ दवाया जाएगा किसी की भी शमूलियत किसी भी केस के जो कानून मुताबिक नहीं अजे ये कहना मेरे लिए संभव नहीं होएगा बिकॉज उसकी एक अलग एस आई टी बनी है
SIT ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਜਸਟਿਸ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਸਰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੰਬ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੰਬ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੋ ਡੀਸੀਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਜਸਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਟਫ ਹੀ ਆ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਲੀਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਓਬੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਯੋਗਾ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।